आज पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिकी हुई है, क्योंकि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है इसे पॉलिटिकल पॉट बॉयलर भी कह सकते हैं। एक राजनीतिक धमाका हो रहा है, धमाके पर धमाके हो रहे हैं दरअसल, और इस पॉट बॉयलर में इमोशन भी है, एक्शन भी है, प्यार है, तकरार है, ट्रेजेडी है, राजनीतिक कॉमेडी भी है। और इस सब में बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आरजेडी ने अपने विधायकों के साथ आज बैठक की तेजस्वी यादव के घर पर, 2 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली। इस वक्त पटना में बीजेपी के दफ्तर में विधायकों और सांसदों और वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक चल रही है, और कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, जेडीयू के विधायकों को साहब मतलब नीतीश कुमार, जो इस राजनीतिक द्वंद्व के केंद्र में है, उन्होंने अपने विधायकों को चाय पर बुलाया है। अब विनोद तावड़े जो कि प्रभारी हैं बीजेपी के बिहार के, वो बीजेपी की बैठक में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, रामकृपाल, ये तमाम लोग बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इसी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी वीरेश पांडे भी। तो बाकी सारे सहयोगी, आप ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्हें जानते हैं, उनका परिचय अलग से कराऊंगा। लेकिन वीरेश, एजेंडा क्या है अंदर खाने जो ये बैठक चल रही है, इसका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, जब बैठक शुरू हुई तो कुछ क्षण मुझे वहां रुकने का अवसर प्राप्त हुआ, और बैठक की शुरुआत में ही जो घोषणा हुई, बोला गया कि कैसे हम लोकसभा चुनाव जीतें, कैसे बेहतर ग्राउंड पर काम करें, कैसे बूथ पर काम करें, और साथ ही साथ निकलते निकलते हमें ये भी सुनाई पड़ा कि ये जो राजनैतिक घटनाक्रम है उस पर भारतीय जनता पार्टी नज़र बनाए हुए है। और उसके बाद हमें कहा गया कि भाई बाहर चलिए, तो मैं बाहर तो आ गया, लेकिन गैलरी से कुछ आवाज़ें आईं। यानी कुल मिलाकर जो बिहार के परिदृश्य इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात अंदर चल रही है। बैठक में विनोद तावड़े प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर, नागेंद्र त्रिपाठी संगठन महामंत्री के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, ये सारे लोग मौजूद हैं। नीचे रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी बैठे हुए हैं। मंच सजा हुआ है वंदे मातरम के गान के साथ। जो बैठक शुरू हुई अंदर चल रही है, और ये गहमागहमी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय बिहार पटना में देख सकते हैं। सिक्योरिटी के लोग भी, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। अंदर की बैठक में जो आवाज मुझे आई उससे साफ हो रहा है कि राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा चल रही है, और केंद्रीय नेतृत्व ने जो सहेज कर, जो बात बताकर विनोद तावड़े को भेजा है, सुशील मोदी को भेजा है, सम्राट चौधरी को भेजा है, उस बात को भी इन सारे लोगों से बताया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हर लोग एक पेज पर रहें, और जो केंद्रीय नेतृत्व हाईकमान की बात है वो सभी सुने जाने, और सभी विधायक उस पर अमल करें। इसमें एमएलसी भी हैं, एमएलएस भी हैं। वीरेश, डील सील हो गई या अभी आखिरी कील ठुकनी बाकी है? देखिए, अगर यहाँ के आबो हवा की हम बात करें तो डील तो पूरी तरीके से हो गई है, और डील हो गई है यही वजह है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है या बड़ा नेता है, केंद्र में पदाधिकारी है, यहाँ वर्चस्व रखता है या हाईकमान के नज़दीक है, जब उसके मुंह पर मैं माइक ले जा रहा था तो अंदर खाने की बात वो निकल जा रही थी, उनकी आवाज़ निकल रही थी, और बोले भले नहीं, माइक लगा हटा कर कहते थे, हो गया यार, घबराओ नहीं, चिंता न करो। हमने कहा खेला हो गया, बोला खेला नहीं,
खेला एकदम खत्म हो गया, ओवर हो चुका है। इसीलिए नीतीश कुमार ने चाय पर बुलाया है और यहाँ बैठकों का जो सिलसिला है पूरे बिहार में, पटना में चल रहा है, हर दफ्तर में चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो बैठक चल रही है वो काफ़ी अहम है, निर्णायक है। निर्णायक इस लिहाज से है कि कल की जो सुबह होगी वो बदली हुई होगी, बदली इस लिहाज से होगी क्योंकि इस बैठक से भी कुछ छनकर निकलेगा और नीतीश कुमार की चाय में जो उबाल होगा उससे भी कुछ छनकर निकलेगा। आरजेडी भौचक है और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है कि आखिर पटना में, राजधानी में हो क्या रहा है, दिल्ली में बैठकर अमित शाह ने वो कौन सी चाल चल दी है, कौन सा चौसर बिछा दिया है, सारे लोग उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। लेकिन भारतीय राजनीति के वर्तमान चाणक्य के तौर पर अमित शाह ने जो बिसात बिछाई है सब उसी में उलझे हुए हैं, भारतीय जनता उसी में उलझे हुए हैं। अभी अमित शाह ने तेलंगाना का अपना जो दौरा था उसे रद्द कर दिया है, लेकिन कल वो पटना आएंगे नहीं आएंगे इसमें अभी असमंजस बरकरार है, फिलहाल कार्यक्रम अभी तय नहीं है। तो ऐसे में अभिषेक उपाध्याय, क्योंकि आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं, अब जिसका जिक्र कर रहे थे वीरेश भी, वो चाय का जो न्योता दिया है साहब ने, अब वो चाय कितनी कड़क होगी ये भी देखने वाली बात है। ये अभी न्योता दिया जाना, कुछ असमंजस है जेडीयू में जिसे शायद क्लोजली बीजेपी भी ट्रैक कर रही है कि 45 के 45 विधायक नीतीश कुमार के साथ हैं भी या नहीं, क्या इसीलिए ये आज चाय का बुलावा? दरअसल विधायक दल की बैठक तो कल सुबह 10 बजे है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप, आप जो बात कह रहे हैं वो उस खदशे से, उस संदेश से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार में जो सरकार का ये कवायद चल रही है तलवार की धार है, क्योंकि संख्या जो है, जो महागठबंधन माइनस जेडीयू बहुत ही कम बहुमत से, और वो भी उनकी भी कवायद चल रही, इसमें दो राय नहीं। हालांकि विक्टिम कार्ड खेलने का सीधा सा उनका उनका इरादा है, वो ये पहली और पहला अपना पहली अपने 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 रुख को सामने करने वाले नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा देने की सूरत में उनके पास वो ऑप्शन खुल जाएगा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया तो अब तो अपना हम दांव चल सकते हैं। तो ये तलवार की धार है और उस तलवार की धार में एक-एक विधायक कीमती है। जेडीयू के जो 45 विधायक हैं इसमें सच्चाई है कि सब ऐसे नहीं है जो नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ दिल और दिमाग दोनों से खड़े हों। जो दिमाग से साथ नहीं खड़े हैं, जो दिल से साथ नहीं है, सिर्फ दिमाग से साथ हैं, वो सबसे अधिक कंफर्टेबल और सुटेबल सिचुएशन का इंतजार करेंगे, इसलिए उनको एक पेज पर रखना बहुत जरूरी है। और आपने ठीक कहा कि बीजेपी भी ये चाहेगी कि नीतीश कुमार ये मुकम्मल करे कि 45 के 45 पूरी की पूरी संख्या साथ में हो, ये वो चाहेगी। तो इसीलिए ये जो चाय पर बुलाएगा, नीतीश कुमार के जो काम करने की शैली आप देखते आए हैं, नीतीश कुमार के काम करने की शैली में इतनी गुंजाइश होती नहीं है कि उसमें अलग अलग लेवल पर जाकर के सलाह मशवरा किया जाए, लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं। कोर ग्रुप की बैठक होती है, विधायकों को चाय पर बुलाया जाता है, कल विधायक दल की बैठक है, तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को मालूम है कि वो जिस पर चल रहे हैं वो तलवार की धार है और ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। यही तो राजनीति का खेल है, संभावनाओं का खेल है। प्रकाश, अब नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी के साथ, इसे हम तय मान कर चलें, या दरअसल अभी जो तेजस्वी कह रहे हैं कि खेला होना बाकी है, कुछ और भी खेल हो सकता है, या नीतीश कुमार ने कर दिया है खेल? संदीप जो आप सवाल बार बार कर रहे हैं कि कुछ खेला हो रहा है, तो थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाहूँगा, आप समय देंगे, दर्शकों को भी मज़ा आएगा सुनने में। जब 2000 में नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे और 7 दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो मैं उस वक्त यहाँ पर पटना में मौजूद था, और उस वक्त क्या कहानी हुई थी? कहानी ये हुई थी कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन जो अशोक चौधरी अभी नीतीश कुमार के साथ है, उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस का डील फाइनल हो गया था, उस वक्त शहाबुद्दीन भी थे, और तब जाकर के नीतीश कुमार को विधानसभा के अंदर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था 7 दिन बाद। तो उस चोट को भूले नहीं थे, वो बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, लेकिन बाद में फिर रेल मंत्री बन गए थे केंद्र में, और 2005 में फरवरी में जब चुनाव हुआ तो उसमें किसी को बहुमत नहीं मिला, हाँ। लेकिन 2005 के नवंबर में नीतीश कुमार आखिरकार सीएम बन गए थे। तो 2000 से लेकर 2023 तक
कि जो घटनाक्रम है और अब जो 2024 के जनवरी चल रहा है, तो नीतीश कुमार की जो ये फेहरिस्त है सीएम बनने की, फिर सीएम से इस्तीफा देने की, ऐसा नहीं कि पहली बार वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो जाहिर है कि इस कब स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ है। 2000 के बाद सीधे उनको झटका लगा था जब 2015 में 14 में जब जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम बनाया था, उनको परेड करनी पड़ी थी राष्ट्रपति भवन तक, और लालू यादव साथ थे। अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा संदीप, और उस वक्त कितनी मुश्किल हुई थी जीतन राम मांझी को हटाने में, क्योंकि उस वक्त में बीजेपी जीतन राम मांझी के पीछे थी। तो बहुत सारे तिकड़म हुए, तो बहुत इस बार नीतीश ने कहा जाता है ना कि खेला हुआ उस समय में भी, खेला इस बार कर दिया है, या तेजस्वी कह रहे हैं खेला होना बाकी है, वो उम्मीद के सहारे ही कायम है, या कोई कुछ खास तथ्य है, कोई रणनीति आपको दिखाई देती है अभी दूसरी तरफ से भी? देखिए, तेजस्वी ये इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जब तक उनके पास 123 का आंकड़ा नहीं होगा, तब तक उन्हें राजभवन से कोई बुलावा नहीं आने वाला है, ये उन्हें पता है अच्छे से, चाहे वो सबसे बड़ी पार्टी क्यों ना हो। लेकिन खेला अगर कभी भी हो सकता है तो वो विधानसभा के अंदर फ्लोर पे ही हो सकता है, और फ्लोर टेस्ट में ही जो कुछ हो रहा होगा होगा, भले उसके पीछे की पटकथा पहले से लिखी जा रही हो, विधायकों को अपने पास मिलाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन एक मिनट के लिए रोक रहा हूं प्रकाश आपको, मीसा भारती कुछ बोल रही हैं, सुनते हैं कुछ अहम हो सकता है। बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये तो एक सामान्य सा बयान है, आप अपनी बात जारी रखिए प्रकाश। तो तेजस्वी यादव की क्या कोशिश हो सकती है, वो किन किन फ्रंट पर नीतीश कुमार को मात दे सकते हैं या फिर उनकी सरकार को गिरा सकते हैं? तो वो एक ही मौका हो सकता है और वो है फ्लोर। तो क्या फ्लोर पर नीतीश कुमार, देखिए उन्होंने, नीतीश कुमार ने कितनी चतुराई से काम किया कि एक निर्दलीय को मंत्री बना दिया, क्योंकि उस समय जो अभी की स्थिति है वही 2020 की थी। तो जब एक को मंत्री बना लिया, दो विधायक शामिल हो गए, सिंगल सिंगल जीते थे, एक बीएसपी के जीते और एक एलजेपी के, तो ये दोनों शामिल हो गए अलग अलग पार्टियों में, बीएसपी वाले मंत्री बन गए जमा खान। तो वो चीज़ को ख़त्म ही कर दिया कि कोई ऐसी परिस्थिति आए तो उलट फेर हो जाए। प्रकाश, पर क्या जेडीयू भी दो फाड़ हो सकती है, एक तबका अलग छिटक सकता है, क्या ये आशंका बनी हुई है, या वो सलवटें या दिक्कतें विजेंद्र यादव जैसे लोगों की मुखालफत क्या वो संभाल ली गई है? नहीं, मेरी बात हुई है विजेंद्र यादव जी से भी, तो वो बिल्कुल सामान्य थे और उनकी बात से कहीं नहीं लग रहा था कि वो मुखालफत करने वाले हैं, विरोध में जाने वाले। देखिए संदीप, एक बात समझिए, जो इंडिया गठबंधन बना, महागठबंधन बनाया गया था, उस वक्त में बहुत सारे ऐसे नेता थे, MLAs थे जो खिलाफ थे, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर होंगे भी तो दो चार होंगे जो खुलकर के सामने आएंगे नहीं। लेकिन ये भी तय है कि उस वक्त में नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के खिलाफ थे, लेकिन मुखर होकर बोल नहीं रहे थे। आपने देखा कई ऐसे मौके आए, आप संदीप गौर कीजिए इन सब बातों पर, क्या कभी RJD और JDU की संयुक्त बैठक हुई? क्या कभी इतने सालों में संयुक्त कोई रैली हुई, कोई सभा हुई? क्या आपने देखा लालू यादव का बर्थडे था, उसमें सिवाय ललन सिंह के कोई नहीं गया, कोई विश करने नहीं गया? तो आप कई ऐसे मौके आए थे जहां पर कि दिखता था कि जेडीयू और आरजेडी दोनों एक साथ हो जाए, कभी किसी मंत्री अब को, जुदा जुदा होंगी, और इनिशियल जो एडवांटेज दिख रही है वो नीतीश के पास दिख रही है। और इसी में मेरे सहयोगी अंकित, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, इसमें एक कानूनी पेच भी है राजनीतिक खेल में, वो ये कि नीतीश जो लगातार तमाम चैनल्स आपको बता रहे हैं कि भाई नीतीश इस्तीफा देंगे, फिर दोबारा से सरकार बीजेपी के समर्थन के साथ बनाने का दावा पेश करेंगे, ऐसी हो सकता है नौबत ही ना आए, नीतीश इस्तीफा ही ना दें, मुख्यमंत्री बने रहें, ये कैसे होगा अंकित, थोड़ा समझाइए।
बिल्कुल संदीप जी, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त जो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हूँ और जो पीछे एक कमरा है, यहाँ पर एक घंटे से बैठक चल रही है लेकिन अभी तक कोई जो निर्णय नहीं हुआ है। जो तमाम कार्यकर्ता है वो बाहर किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये मुमकिन हो सकता है, इसके लिए हमको 2013 का ध्यान करना होगा, जब जो बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार सरकार में थे। तब क्या हुआ था, जब वो जो है आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, जब उस दौरान उन्होंने किया क्या था, उन्होंने जब माझी को मुख्यमंत्री बनाया था उससे पहले जो बीजेपी के साथ में गठबंधन था उसको तोड़ दिया था। तोड़ने के साथ ही में जो बीजेपी के जो मंत्री थे उन्हीं की सरकार में उनको बर्खास्त कर दिया था और उनकी सरकार चलती रही थी, यानी कि जेडीयू की जो है जो सरकार थी उस जेडीयू सरकार में बनी रही थी। और अब क्या है, अभी फिर से वही समीकरण बन रहा है। समीकरण क्या बन रहा है कि मुमकिन है कि नीतीश कुमार अपने पद पे बने रहे, बीजेपी का समर्थन उनको मिल जाए और जो आरजेडी के कोटे के मंत्री हैं वो उनको बर्खास्त कर दे, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास में अधिकार होता है कि वो अपनी कैबिनेट में किसको रखना चाहते हैं। मुमकिन है कि ये विकल्प अपनाया जाए। ये क्यों जरूरी हो रहा है इस समय के सिनेरियो में, उसकी वजह यह है, कहा यह जा रहा है, जिसका भी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, अभिषेक से और प्रकाश जी से भी बात कर रहे थे, कि जेडीयू को लेकर के एक संशय है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के जो है कई नेता हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि एक दर्जन से ज्यादा जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार के साथ में नहीं है, उनके संपर्क में नहीं है। तो ऐसे में उस स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास में आपको लिस्ट लेके जानी पड़ी कि हाँ देखिए हमारे इतने लोगों के साइन है, बीजेपी कितने लोगों के साइन है, तो वहां थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन आपके पास अपनी पार्टी की बात है, आप ही की बात है। एक और बात जोड़ दूं, जो जेडीयू जो आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई, 79 के 79 विधायकों के हस्ताक्षर भी बाकायदा ले लिए गए हैं। तो नीतीश कुमार ये हस्ताक्षरों के खेल को भी सर्कमवेंट करना चाहते दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आरजेडी, देखिए इस समय आरजेडी खेमा क्यों जो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपना रहा है, तेजस्वी ने कहा कि नहीं हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव वहां पर एक वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो हर एक खेल को बखूबी समझते हैं और इसी वजह से कहा क्या गया, अंतिम फैसला लालू जी का होगा। यहां पर जो है इस वक्त जो खेल चल रहा है, खेल के पीछे का खेल वो ये चल रहा है कि 79 विधायकों के तो यहाँ पर जो है हस्ताक्षर ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैजिक फिगर है वो है 122 का। 122 तक कैसे पहुंचना है, जब तक आरजेडी कांग्रेस का ये सुनिश्चित नहीं कर लेती, 122 के इस आंकड़े को ही क्या बेमानी बनाने की भी कोशिश हो रही है कि 122 तक का आंकड़ा ही ना आए। और इसी में मीसा भारती का थोड़ा सा बयान हम सुन पाए थे, लाइव काट रहे थे, क्योंकि मीसा भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, यानी कि रीच आउट आरजेडी अभी तक करती दिखाई दे रही है नीतीश कुमार की तरफ, लेकिन नीतीश कुमार अपने मन की था देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। शशांक, मीसा भारती के इस बयान का हम क्या मतलब निकालें, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार रिस्पॉन्ड करेंगे, लालू प्रसाद यादव का फोन नहीं उठाया, शिवानंद तिवारी को भेजा था, अब उन्होंने तो कम्युनिकेशन के दरवाजे बंद कर रखे हैं, ये तो साफ लिखा हुआ है ना, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, ही डजंट वांट टू टॉक। देखिए लालू के विधायक जरूर नीतीश पर अटैक कर रहे हैं खुलकर, लेकिन लालू परिवार अभी भी नीतीश पर अटैक नहीं कर रहा है। मीटिंग में भी तेजस्वी बोले कि हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी के मंत्री विधायकों ने हमेशा नीतीश का सम्मान किया, भले विधायक बाहर में नीतीश के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे थे, तो लालू परिवार अभी नीतीश को लेके साइलेंट है। तेजस्वी यादव कोई भी बड़ा कदम पहले नहीं उठाएंगे, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नीतीश पहला कदम उठाएं, और जदयू में टूट का खतरा मंडरा रहा है और इसलिए नीतीश कुमार जल्दबाजी में है कि सरकार बनाया जाए। मैं सुबह भी ये बात बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि आरजेडी कोई खेल करना होगा तभी करेगी जब नीतीश को बहुमत साबित करना होगा मांझी की पार्टी पे, चाहे MIM पे, चाहे निर्दलीय पे, चाहे जो जेडीयू के 6-7 साबित करने की नजर है, लगातार नौबत ही रहा है। ये बात अंकित ने भी रेखांकित की है, पर इसमें एक और खेल है कि बहुमत की नौबत आ भी सकती है क्या, और उस खेल में मुख्य खिलाड़ी के रूप में डार्क हॉर्स बनकर उभर रहे हैं जीतन राम मांझी। बिहार में राजनीतिक खेला जारी है, डील सील हो गई है, नीतीश अब बीजेपी के साथ ही जाएंगे या आखिरी कील ठुकनी अभी बाकी है, इसमें डार्क हॉर्स क्या जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं, उनके घर के बाहर ही मौजूद है मेरी सहयोगी निधि श्री। निधि, अब एक बैठक हो रही है अंदर, बैठक किस लिए,
सुगबुगाहट क्या आ रही है, संकेत क्या मिल रहे हैं? संदीप देखिए, बैठक शुरू हो गई है और जो हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जीतन नीतीश कुमार किस तरीके से पाला बदलते रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि जीतन मांझी का भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 2019 से आज 2024 तक, तो कुछ ऐसा ही रहा है। नीतीश कुमार से कोई कम जल्दीबाजी उन्होंने नहीं की है पार्टी बदलने में। 2019 में महागठबंधन के साथ थे, 2020 में वो एनडीए के साथ चले जाते हैं, 2022 में फिर नीतीश कुमार के साथ, और 23 में वो एनडीए में चले जाते हैं। तो जीतन राम मांझी इस वक्त चार विधायकों के साथ अंदर बैठक जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपना नफा नुकसान देखते हुए ही अगला कदम लेंगे। और हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं, कैमरे पर आकर उनके जो बेटे हैं एमएलसी हैं संतोष सुमन, वो कह रहे हैं कि हम अभी भी एनडीए के साथ इंटैक्ट है, लेकिन जीतन राम मांझी बखूबी जानते हैं और वो बार बार उन्होंने कैमरे पर आकर दोहराया भी है कि उन्हें बेइज्जत किया गया। वो सिर्फ रबर स्टाम्प का रोल प्ले नहीं करेंगे इस पूरे सिनेरियो में, वो चाहेंगे, थोड़ी देर पहले संतोष सुमन से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि जो नई सरकार आए उसमें हम प्रतिनिधित्व करें, और ऐसे में अगर आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा ऑफर मिलता है तो क्यों नहीं सोचेंगे। चार विधायक हैं और चारों विधायक थोड़ी देर पहले अलाव जलाते हुए बाहर नजर आ रहे थे, लेकिन जब बैठक शुरू हुई है तो पूरी मंथन उनके घर पर भी चल रही है इस बात को लेकर। बिल्कुल, अभी भी जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि भाई जीतन राम मांझी के बेटे कह रहे थे अभी भी हम एनडीए में हैं, इस अभी भी में ही बहुत कुछ खेल अटका हुआ है क्या? बिहार में राजनीतिक खेल जो द्वंद्व है, जो पॉलिटिकल पॉट बॉयलर है, वो तो लगातार जारी है। अब एक और उसमें पेच आ गया है। हमने आपको बताया बीजेपी के विधायकों और सांसदों की बैठक चल रही है पदाधिकारियों के साथ, और 7 बजे नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को चाय पर बुलाया है। अब बीजेपी के सूत्रों से खबर यह आ रही है कि बीजेपी इस बात पर पैनी निगाह लगाए बैठी है कि नीतीश कुमार के चाय के न्योते पर उनके कितने विधायक आते हैं। कुल मिलाकर 45 विधायक हैं जेडीयू के। अंकित, यह अपने आप में बड़ी दिलचस्प खबर है। बिल्कुल संदीप जी, इस वक्त यहाँ पर जो खबरें आ रही ना अपने आप में काफी दिलचस्प होती जा रही हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ जो दावा ये किया जा रहा था कि सब कुछ सही है, नीतीश कुमार के पास में पूरी संख्या बल है, बीजेपी समर्थन कर देगी, सरकार बन जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से ये दावा किया गया कि नीतीश कुमार के जो है 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में नहीं है, तो बीजेपी की अभी जो बैठक यहाँ पर चल रही है जो पिछले करीबन 1.5 घंटे से चल रही है, अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, चर्चा अब जो है बीजेपी के नेताओं में ये भी हो रही है कि 1.5 घंटे बाद तो नीतीश कुमार के घर पर चाय वाली बैठक भी है ना, स्थिति साफ होने दीजिए कि आखिर उनके साथ में वाकई में उनके विधायक इंटैक्ट है भी या नहीं, क्योंकि बीजेपी का खेल तो तब शुरू होता है या बीजेपी का रोल तो तब आएगा जब नीतीश कुमार के अपने विधायक उनके साथ में इंटैक्ट होंगे। भले ही यहां पर ये चर्चा हो रही हो कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, बाकी समीकरण बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है ना कि नीतीश कुमार के अपने विधायक जो 45 संख्या है वो उनके साथ में मौजूद है या नहीं, और इसी वजह से शाम को 7 बजे जो चाय का वक्त है उस पर अब जो है नीतीश कुमार की नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं की भी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच मोड में दिखाई दे रही है बीजेपी। तो ऐसे में अभिषेक, क्या वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो हाल भी है क्या? दरअसल मैं महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहूंगा यहां पर। नवंबर 2019 की जो बात है, जब सुबह सुबह 4:30-5 बजे शपथ ग्रहण भी हो गया था, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी के जितने लोग आने थे वो नहीं आ पाए, सरकार गिर गई। और यही हाल कुछ राजस्थान में ऑपरेशन लोटस को लेकर भी सचिन पायलट वाले गुट के साथ हुआ था। तो यहां इसीलिए वेट एंड वॉच मोड में दिखाई दे रही है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है, ये जो आप दो उदाहरण दे रहे हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, और इनके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग संदीप, क्योंकि आप देखिए जिस समय ये सब चल रहा है, जनवरी का लास्ट है, मार्च से में आप ये मान लीजिए कि अधिसूचना लागू हो जाएगी, लोकसभा के चुनाव सामने आ जाएंगे, इसलिए इस वक्त में अगर ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ मिसकैलकुलेशन हो जाता है या पॉलिटिकल मिसफायर हो जाता है तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। तो ये टाइमिंग और भी ज़्यादा सेंसिटिव है बीजेपी के लिए, इसलिए जाहिर सी बात है कोई भी कदम उठाने के लिए, और बीजेपी की ओर से ये सोर्सेज ये कह भी रहे हैं कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। आप मुख्यमंत्री आवास के ठीक आगे पिछली बार का टारगेट उसके बाहर खड़े हैं अभिषेक, क्या जेडीयू के विधायकों का आने का सिलसिला, चाय का न्योता 7 बजे का है, अब 6:30 से ऊपर हो गए, 6:35 होने को हैं,
कुछ लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ? देखिए अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन आप देखिए गहमा गहमी यहाँ पर शुरू हो गई है और ये जो गहमा गहमी बता रही है कि ये कुछ देर में यहाँ पर विधायक भी आने वाले हैं और चूंकि विधायक आने वाले हैं इसलिए तमाम यहाँ पर और भी जो मजमा है वो लगना भी शुरू हो गया है। बड़ी बात ये कि अभी दो विधायक यहाँ से निकले थे और वो जब वो निकले राजीव कुमार निकले थे और एक विजय मंडल निकले थे जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। यहाँ आते ही उन्होंने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए और उसके बाद वो गए, वो किसी और काम से आए हुए थे। तो विधायक निकल रहे हैं वो कुछ बातें भी कह रहे हैं, कुछ ना कुछ उसे इंडिकेशन भी सामने आ रहा है, इसलिए अभी 7 बजे से ये टाइमिंग है। विधायक जाएंगे जाते समय क्या बोलते हैं उसको तो हम ट्रैक करेंगे ही, लेकिन प्रकाश एक और बड़ी खबर ये आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कल सुबह इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। पहले बहुत कयास लगाए जा रहे थे आज शाम 7 बजे दे देंगे, अब कल 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक भी है और इस्तीफे की खबर भी आ रही है। किस तरह से जोड़कर इसका आप विश्लेषण करेंगे, अंदर खाने की खबर क्या है? अरसे से देख रहा हूं बिहार में सबसे बात होती है मेरी, हर पार्टी के नेता से बात होती है बड़े से छोटे लेकर के। मैंने ये महसूस किया था कि मंत्री हों, विधायक हों, विधान पार्षद हों, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, पार्टी संगठन का इस गठबंधन में सहज नहीं था, क्योंकि वो नीतीश कुमार को मानते थे और नीतीश कुमार की वजह से इस साइड आ गए थे। आपने नोटिस नहीं किया जितने साल ये सरकार रही तेजस्वी के साथ कभी कहीं किसी के साथ मेल जोल नहीं था। ये ज़रूर था कि अगर ये घटना उस वक्त घट रही होती तो कई लोग कह देते कि हाँ ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। पर अभी जो बात हो रही है जेडीयू के टूटने की, इसमें मुझे कहीं कोई सच्चाई नजर नहीं आती। इस्तीफे की खबर को लेकर आपकी जानकारी क्या है? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है नीतीश कल सुबह इस्तीफा दे सकते हैं, आपकी खबर क्या है? हाँ, ये तो हमने पहले संदीप, मैंने ये पहले भी कहा था कि कल ही मैंने ये बातें कही थी कि 28 तारीख अहम है और 28 तारीख की सुबह में देखिए ये पिछले वर्तमान जो हुआ था उसी को दोहराया जा रहा है, एकदम बिल्कुल सेम। अगर इसमें कुछ नीतीश कुमार अपना और कुछ नया चीज़ ना जोड़ दें, क्योंकि अंतिम समय में कई बातें ऐसी होती हैं जो वो चौंका जाते हैं, जैसा कि अंकित बता रहे थे कि अगर उस तरह की कोई घटना ना कर दें, बर्खास्त ना कर दें, तो वो अलग विषय है। लेकिन अभी तक जो तय है, जो मुझे मालूम है, मेरे सोर्सेज ने कन्फर्म किया है, एक दो लोगों ने नहीं बल्कि कई लोगों ने और उच्च सूत्रों ने किया है, और चाहे वो बीजेपी को हो या जेडीयू के हो, इन लोगों ने कहा है कि कल 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी वो फिर दोनों लोग आपस में आएंगे, इन्हें नेता चुनेंगे नीतीश कुमार को, उसके बाद फिर ये जाएंगे विधान राजभवन जाएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बीजेपी की जो बैठक चल रही है उसमें पहले खबर आई कि विधायकों और सांसदों की बैठक के बाद कोर ग्रुप की भी बैठक होगी, और उससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं, वहां बिहार बीजेपी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। ये क्या एक और पेच आ गया है इस दिलचस्प राजनीतिक खेल में वीरेश पांडे? मैं आपको बताऊं कि इस बैठक में सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन से ज्यादा विधायकों ने विनोद तावड़े और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि इस बार तो कम से कम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, इस पर आप लोग विचार करिए, ये बिहार के विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं कि इस बार भारत जनता पार्टी का कोई सिपाही मुख्यमंत्री बने। इस बात को लेकर कई पार्टी के पदाधिकारियों ने भी विनोद तावड़े से आग्रह किया और उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री भाजपा का बने, ऐसा कोई फार्मूला तलाशा जाए, हाईकमान से बात की जाए। विनोद तावड़े ने आश्वासन दिया भरी मीटिंग में और कहा कि इस पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा पार्टी हाईकमान को। इस बैठक के बाद पार्टी की एक हाई कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, ये बैठक 7 बजे शुरू होने वाली थी, उसके मायने क्या है? ये बैठक जो अभी चल रही है, की जो बैठक होने वाली है, विधायकों सांसदों से मुलाकात हो गई, बैठक हो गई, कोर ग्रुप की बैठक करने के मायने क्या है वीरेश?
देखिए इसके मायने ये है कि इसमें तमाम तरह के विचार सामने आए हैं। ये बैठक ओपन है, ओपन इस लिहाज से है कि पार्टी के तमाम विधायकों को, पदाधिकारियों को कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात उन्मुक्त तरीके से रख सकते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ये क्लोज डोर बैठक है और इसके बाद जो भी निकलेगा लब्बो लुआब उसको लेकर कोर ग्रुप में बैठक होगी। विनोद तावड़े रहेंगे, संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ सम्राट चौधरी रहेंगे। वेट एंड वॉच मोड, जैसा अंकित बता रहे थे कि 7 बजे JDU के विधायकों को चाय पर बुलाया है, तो वो गिनती वाला खेल भी होगा कि भाई देखते हैं नीतीश के पास कितने आते हैं, तो उससे पहले कोई बयान देना ही ना पड़े तो जी कोर ग्रुप की भी बैठक चल रही है हमारी, तो ये वेट एंड वॉच की भी रणनीति दिख रही है क्या? देखिए संदीप जी, मैं आपको बताऊं कि जब से नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की जब से यहां सरकारें बनी हैं, जब भी गठबंधन हुआ है, एक शख्स की कमी महसूस की जा रही है। उनका नाम अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सेतु का काम करते थे अरुण जेटली, यानी जो उनका पर्सनल रिश्ता था नीतीश कुमार से, इतनी मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर अरुण जेटली मौजूद होते, क्योंकि दिल्ली में ही बैठकर हर बार वो ऐसा पासा फेंकते थे कि बहुत स्मूथ जो सत्ता का परिवर्तन गठबंधन हो जाया करता था। और उनकी जोड़ी थी सुशील मोदी से, सुशील मोदी भी इस वक्त कमजोर हुए हैं हाईकमान की नजर में। हालांकि इस बैठक में उन्हें बुलाया गया है और यहां से बैठक से पहले पार्टी के हाईकमान की बैठक में वो भी मौजूद थे, क्योंकि उनकी एक प्रासंगिकता है। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो जोड़ी है वो बेहतर है, और उनका ये कहना है कि जो 2 उप मुख्यमंत्री बन गए थे जिनकी वजह से ये गठबंधन टूट गया, क्योंकि जो सामान्य उनमें रिश्ता है वो कभी बेहतर नहीं रहा। सुशील मोदी और नीतीश कुमार तो के कम्युनिकेशन गैप भी और इस बीच इस राजनीतिक खेल में बहुत अहम हो सकता है। लेकिन प्रकाश, हमने BJP JDU RJD की बहुत बात की है, ये जीतन राम मांझी खबर लगातार एक के बाद एक आती ही जा रही है कि RJD भी संपर्क में है, कांग्रेस भी, भूपेश बघेल मिलने पहुंचे, अभी हम की बैठक भी चल रही है विधायकों की, तो ये जीतन राम मांझी भी कुछ वो जोकर इन द पैक की खेल ही कुछ पलट जाए, ऐसी भी कोई संभावना स्ट्रोक आशंका है क्या? देखिए संदीप, एक दिलचस्प बात आप भी पूछ रहे थे वीरेश पांडे से, और वीरेश भी बता रहे थे कि BJP का CM, ये बहुत दिलचस्प है, ये सच्चाई है। इसमें BJP के कार्यकर्ताओं को मनाने में पसीने छूट जाएंगे BJP वालों को, और ख़ास तौर से BJP के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनके सिर पर आपने पगड़ी देखी होगी, वो पगड़ी पता है क्या है? वो पगड़ी उन्होंने पहनी थी इस शर्त के साथ कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटा नहीं देंगे तब तक उस पगड़ी को हटाएंगे नहीं। तो आप समझिए कितनी कश्मकश होगी, कितनी जद्दोजहद चल रही होगी, कितने लोग इस बात से खफा होंगे, नाराज होंगे, दुखी होंगे, लेकिन अगर आला कमान का और हाई कमान का फैसला आ जाए तो सबको मानना होता है। दूसरी बात जो आप बता रहे थे जीतन राम मांझी के बारे में, तो मांझी नाप तौल करके सब कुछ देख चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि वहाँ कहाँ उनको कहाँ रहने में फ़ायदा है। हाँ, इससे ज़्यादा अगर उनको फ़ायदा मिल जाए, चाहे वो राज्यसभा की एक सीट हो, लोकसभा की एक सीट, या फिर सरकार में, उन्होंने मुझसे कल, संतोष मांझी जो अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने अपने बातचीत में हमारे ABP न्यूज़ से बातचीत में इस बात का खुलासा भी कर दिया। नहीं, यही चीजें RJD दे दे, प्रतिनिधि RJD लोकसभा चुनाव, लोकसभा के लिए एक सीट दे सकती है, राज्यसभा भी भेज सकती है, उतने विधायक तो हैं और सीटें भी खाली हो रही हैं, ये चीज तो RJD मरता क्या ना करता। देखिए अब तो ये नाक की लड़ाई हो गई है और सबके पत्ते तो खुल ही गए हैं कि खेला कौन कौन कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, तो ये मरता क्या ना करता वाला खेल भी हो रहा है क्या? नहीं, ये बात सही है कि मांझी को, पासा मांझी को अपने पास लाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही है, लेकिन मांझी को ये पता है, मांझी को जमीनी हकीकत पता है, उनकी पार्टी के लोगों को, खासतौर से गया लोकसभा से अगर जीतना है तो उनको BJP के साथ या इस गठबंधन में आना होगा। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड मुझसे कहा है, जो लोग अभी लोकसभा की तैयारी कर रहे थे महागठबंधन से, तो नीतीश के हटने के बाद दोबारा विचार करने लगे कि क्या
चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, क्योंकि उनको पता था कि नीतीश इस साइड थे तो उनका वजन था और उनके वोट बैंक में काफ़ी वजन रहता था, वो जीतने की पूरी संभावना रहती थी। लेकिन नीतीश के हटने से अब से फिर से लोग कैलकुलेशन करने लगे हैं कि क्या होगा, जो लोग दाव लगाना चाहते थे महागठबंधन से। तो ये सारी बातें भी हो रही है, तो जाहिर है कि मांझी इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि हवा का रुख क्या कह रहा है। पिछले चुनाव में लोकसभा में आप समझिए 40 से 39 सीटें लोकसभा में आ गई थी, उसके पहले 2014 में तो अकेले नरेंद्र मोदी है 30 सीट पर आ गए थे। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा अभी का अभी जो राम मंदिर हो या फिर तो वही नीतीश जो सम्मान देने की बात हुई, लव हिम यू कैन हेट हिम यू कांट इग्नोर हिम अभिषेक। दरअसल ये बात भी अंडरलाइन हो रही है बिहार की राजनीति के संदर्भ में, और यहाँ 40 लोकसभा सीटों की भी बात है जिसका जिक्र प्रकाश कर रहे थे। तो 400 पार का नारा बुलंद करने वाली, ताल ठोकने वाली बीजेपी को भी आखिरकार कहीं ना कहीं नीतीश की जरूरत पड़ गई कि बिहार में नीतीश के बिना नैया पार नहीं हो पाएगी, ये भी एक खेल हो रहा है साथ ही साथ। संदीप एक बात समझना होगा, अगर लोकसभा चुनाव सामने नहीं होते तो बिहार में ये ऑपरेशन नहीं होता, ये एकदम तय मानिए। बीजेपी तो चाह रही थी कि इसी स्थितियों में, जो बीजेपी से हमारी जो हमारी जानकारी कहती है, बीजेपी चाह रही थी कि आरजेडी और जेडीयू का यही गठबंधन इन्हीं हालातों में जाए विधानसभा चुनाव तक, तो उसके पास उसको मौका मिलेगा कि इनके 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, इन्होंने क्या किया, दुनिया भर के करप्शन के चार्ज, दुनिया भर के और चार्जेज, और उसके बाद बीजेपी पिच करेगी अपने दम पर बहुमत में आने का। लेकिन ये लोकसभा चुनाव का सिनारियो है और महाराष्ट्र के बाद बिहार उनकी दुखती नस था, इसमें दो राय नहीं है, और इसीलिए ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। और नीतीश कुमार एक अपरिहार्यता है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो आरजेडी के लिए हो, उनके बगैर लोकसभा में आप इतना शशांक एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, आपने आरजेडी के अंदर जो हलचल है उसे लगातार ट्रैक कर रहे हैं, वो अभी भी इस खेल में हैं या अब वो दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ गए? नहीं, बिल्कुल खेल में है। आरजेडी नेताओं से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि लालू यादव किंग मेकर हैं, चाणक्य हैं। जब नीतीश कुमार 2017 में पलटी मारे थे महागठबंधन से एनडीए में गए थे, तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उस समय शेर पिंजड़े में था, सो अब शेर यहाँ है और स्वस्थ है, हम लोग हार नहीं मानेंगे। तो राजद भी पर्दे के पीछे से हर संभव कोशिश कर रही है कि लड़ाई बराबरी की हो। आरजेडी अभी दर्शक दीर्घा तो में नहीं, अभी खेल में सब शामिल हैं और अपने पैतरे अपने दांव आजमा रहे हैं।